आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कैलेंडर वाले क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन आप लोग इस टाइप के पढ़ेंगे कि जैसे आज मान लीजिए बुधवार है, कोई पूछता है कि आज से 20 दिन बाद 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसी तरह से कोई और भी मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आज मंगलवार है तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या 200 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या 75 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप लोग कैसे आसानी से इसको बता सकते हैं। नया है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए आज बुधवार है तो आज से 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हमको बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं दिनों का नाम, पहले लिख लेते हैं एक बार, आप लोगों के लिए आसान होगा समझने के लिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये आप लोग समझेंगे दिनों का नाम हमने लिख दिया। आप देखिए कोई ये क्वेश्चन एक दिया गया कि आज बुधवार है तो आज से 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो देखिए इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, 22 में कोई भी कितना भी दिन के बाद पूछता है क्वेश्चन, तो आप लोग क्या करेंगे जितने दिन के बाद पूछा जाता है उसमें आप लोग 7 से भाग करेंगे। ध्यान दीजिएगा 7 से क्या करेंगे, इस 22 दिन के बाद बताना है, हमेशा 7 से ही भाग होगा और जितने दिन बाद पूछा जाएगा उसी में। अब देखिए 7 से हमको भाग करना है 22 में, तो 3 बार में भाग जाएगा 21 होगा और घटाएंगे तो यहां एक शेष बचेगा। आप ध्यान दीजिएगा एक शेष बचा है, अब ये जो शेष बचा है इसी को हमको ध्यान में रखते हुए बताना है। तो देखिए आज हमने कहा कि कौन सा दिन है, आज हमने कहा कि बुधवार है और आज से 22 दिन बाद हमको बताना था, तो शेष आया एक, यानी कि बुधवार के बाद एक दिन हम लोग लेंगे, यानी कि ये बृहस्पतिवार, बुध के बाद एक दिन कौन सा आएगा, तो बृहस्पतिवार आएगा, यानी कि आज अगर बुधवार है तो आज से 22 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा। इस तरह से आप लोग आसानी से बता सकते हैं। फिर हम लोग कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया आज सोमवार है तो आज से 38 दिन बाद कौन सा दिन होगा, अगर आज मान लीजिए सोमवार है तो आज से 38 दिन बाद कौन सा दिन होगा, हम कैसे बताएंगे, तो क्या करेंगे 38 में हम लोग भाग करेंगे 7 से। आप लोग जानते हैं भाग करना, 7 से 5 बार में 35 होगा और घटाएंगे जब यहां तो 3 हो जाएगा शेष। ध्यान दीजिएगा 3 शेष हो गया। अब क्या करेंगे, सोमवार, आज सोमवार है तो हम लोग सोमवार से देखेंगे कितना दिन शेष हमारा 3 आया, तो देखिए सोमवार के बाद 1, 2, 3 यानी कि बृहस्पतिवार हो जाएगा, यानी कि बृहस्पतिवार। तो इस तरह से आप लोग आसानी से बता सकते हैं। हम लोग दो क्वेश्चन और लेते हैं, इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 लिया हुआ है, इस दोनों क्वेश्चन से आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसे दिया गया आज मंगलवार है तो आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 25 लेंगे और उसमें 7 से भाग करेंगे। आप लोग भाग करेंगे तो 3 बार में भाग जाएगा, यहाँ 21 होगा और यहाँ जब घटाएंगे तो शेष आएगा 4। अब देखिए जब शेष 4 आया तो हम लोग क्या करेंगे, मंगलवार, मंगलवार के बाद हम लोग 4 शेष आया तो 4 दिन देखेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 यानी कि चौथे दिन पर शनिवार हो रहा है तो शनिवार हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को बताना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया गया है आज शनिवार है तो आज से 35 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 35 में 7 से भाग करेंगे, हमेशा 7 से ही भाग करना है। अब देखिए भाग करेंगे तो 35 पूरा कैंसिल होगा, शेषफल आएगा 0। अब देखिए ध्यान दीजिएगा
शनिवार से बताना था शेषफल आया जीरो, यानी कि शनिवार से बताना था शेषफल जीरो आया, मतलब आगे नहीं जाना है, यानी कि शनिवार ही होगा। जब शेषफल जीरो आया तो जो दिन रहेगा वही दिन हो जाएगा, मतलब उधर नहीं जाना हमको। अगर मान लीजिए यहाँ शेषफल दो आया रहता तो शनिवार के बाद एक और रविवार के बाद सोमवार आता है, तो दो यानी कि सोमवार हो जाता। तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे, ये ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आप लोग कुछ नया ट्रिक देखेंगे।